पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शास्त्री चौक से महानगर में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जिसके संबंध में पतंजलि योगपीठ के जिला प्रभारी हरि नारायण धर दुबे ने बताया कि भारत के 75 मुख्य स्थानों में से एक गोरखपुर का भी चयन हुआ है। पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार स्वामी रामदेव महाराज के निर्देशन में यह विशेष योग महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसको देखते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, जिससे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोहद्दीपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वी पार्क में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होकर भाग ले सके। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के ब्रजमोहन, हरि नारायण धर दुबे, राजेंद्र मणि त्रिपाठी, ममता श्रीवास्तव, गौरी सारिका श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद यादव, शेषमणि पांडे, जितेंद्र कुमार शुक्ला, सत्य प्रकाश वदेशिया, जयदीप जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पतंजलि योगपीठ के जिला प्रभारी हरि नारायण धर दुबे ने कहा, हरि नारायण धर दुबे, जिला प्रभारी, भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे भारत के 75 जगहों में चुने गए स्थानों में एक गोरखपुर है, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में राजकीय उद्यान वी पार्क में जो कार्यक्रम होने जा रहा है योग दिवस का, उसके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए योग दिवस पर सम्मिलित होकर के अमृत महोत्सव के वर्षगांठ पर शहीदों को समाज अपनी श्रद्धांजलि दें इस योग के माध्यम से। कितने लोग शामिल होंगे? हमारा तो अंदाज है कि 5000 के आसपास लोग सम्मिलित होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं मोटरसाइकिल जुलूस? मोटरसाइकिल जुलूस से संदेश ये देना चाहते हैं कि जहाँ से जुलूस निकलेगा लोग देखेंगे कि किस बात का जुलूस है, योग का है, योग महोत्सव के लिए है, लोगों को आकृष्ट करने के लिए है, लोगों को आमंत्रित करने के लिए है। हैंडबिल भी बांटे जा रहे हैं, अब बैनर भी लगाए गए हैं और लोगों से सुबह जनसंपर्क भी किया जा रहा है। जितनी योग कक्षाएं हैं, योग शिक्षक हैं, सभी लोग मिल करके इस प्रयास में हैं कि कहीं भी सम्मिलित हों सारे नागरिक इस देश के।